मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मेरा दूसरा निवेदन है कि जैसे पेप्सी कोक दो विदेशी कंपनियां, ऐसी 5,000 कंपनियां हैं, उनमें से कुछ और कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट बेचती हैं, उनको भी बहिष्कार करिए। जैसे कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फोरहंस, ये सारी विदेशी कंपनियां, इनका पेस्ट आप बाजार में खरीदते हैं ना, 30 रुपए का 100 ग्राम आता है, 300 रुपए किलो। पढ़े लिखे लोग बहुत टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, गाय का घी नहीं खाते, 150 रुपए किलो, 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में लगा के वॉश बेसिन में थूकते रहते हैं और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि दिन में 3-3 बार थूकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करते हैं, थूकते हैं, फिर लंच के बाद फिर थूकते हैं, फिर रात को डिनर के बाद फिर थूकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को मैं कहता हूँ ये क्यों करते हो पेस्ट इतना, कहते हैं जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्या है इसमें क्वालिटी, कहते हैं झाग बहुत बनता है इसमें, फोम बहुत बनता है। तो मैं कहता हूँ फोम तो एरियल में भी बनता है, फोम तो डिटर्जेंट पाउडर में भी बनता है, फोम तो शेविंग क्रीम में सबसे ज़्यादा बनता है, फोम तो शैम्पू में सबसे ज़्यादा बनता है। तो आप शैम्पू से ही दांत साफ क्यों नहीं करते, शेविंग क्रीम क्यों नहीं लगा लेते अपने दांतों में? आपको क्वालिटी चाहिए, अगर फोम ही लेना है तो फोम तो एरियल में है, रिन में है, व्हील में है, सब में है। तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं आप ही बताओ क्या क्वालिटी है। मैं कहता हूँ भैया टूथपेस्ट की क्वालिटी ये होती है कि उसमें मिलाया हुआ क्या है। ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये जितने भी टूथपेस्ट आप बाज़ार से खरीदते हैं विदेशी कंपनियों के, इनमें एक केमिकल मिलाते हैं जो फोम पैदा करता है, उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। आप एक छोटा सा काम करना, किसी एक हायर सेकेंडरी स्कूल में चले जाना या किसी डिग्री कॉलेज में चले जाना जहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई जाती हो, केमिस्ट्री के किसी लेक्चरर से मिल लेना और उनसे कहना कि केमिस्ट्री की डिक्शनरी दे दो। हर स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री की डिक्शनरी होती है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी ना, वैसे केमिस्ट्री की डिक्शनरी। केमिस्ट्री की डिक्शनरी खोलना और उसमें यह शब्द पढ़ना, सोडियम लॉरेल सल्फेट, उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, जहर है वो, और कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है। केमिस्ट्री की डिक्शनरी में जब सोडियम लॉरेल सल्फेट को आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ कार्सिनोजेनिक पॉइजन, माने कैंसर करने वाला जहर, वो डाला जाता है कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट में। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप में ये जो कॉलगेट बिकता है ना, क्लोजअप वगैरह, तो वहाँ भी डालते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, लेकिन वहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि जिस टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट डाल दिया उसके रैपर पर चेतावनी लिखनी पड़ती है, वैसे ही जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है। आपने देखा भारत में सिगरेट पैकेट पे लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अमेरिका में कॉलगेट के रैपर पर ये लिखा रहता है कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ब्रिटेन में कॉलगेट के रैपर पर लिखा रहता है कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में कॉलगेट के रैपर पर क्या लिखा रहता है मैं आपको वैसे का वैसे ही सुनाता हूं अंग्रेजी में, फिर उसका हिंदी बताऊंगा। उसमें लिखते हैं प्लीज Keep out this Colgate from the reach of the children below 6 years. मतलब 6 साल से छोटे बच्चे को ये कॉलगेट कभी नहीं देना। क्यों? छोटे बच्चे कॉलगेट को चाट लेते हैं और कॉलगेट में केमिकल है जो कैंसर करता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो बच्चे की मृत्यु हो सकती है कैंसर से। इसलिए अमेरिका, यूरोप के देशों में कॉलगेट के रैपर पर लिखा होता है प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। दूसरा वाक्य लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से किसी बच्चे ने कॉलगेट कर लिया तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना। क्यों? क्योंकि जहर खा लिया उसने। और तीसरा वाक्य लिखा होता है इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क। अगर आप बड़े आदमी हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो अपने ब्रश पर कॉलगेट की बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा लेना, चने और मटर के दाने से भी आधा इतना ही कॉलगेट लेना, क्योंकि ये कैंसरस है। अब अमेरिका, यूरोप में ये चेतावनी लिखी जाती है कॉलगेट के बारे में, भारत में ऐसी कोई चेतावनी वो नहीं लिखते। भारत में तो उल्टा है, विज्ञापन जब आता है ना कॉलगेट का तो दिखाते हैं ब्रश भर भर के लेना, ताकि मरो तो जल्दी मरना। इतना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है ये कॉलगेट का।
तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे आपने संकल्प लिया पेप्सी कोक नहीं पियेंगे, दूसरा संकल्प लीजिए कि ये विदेशी कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट सिबाका फॉरेंस भी नहीं करेंगे। तो अब आप बोलेंगे फिर क्या करें, अपने पतंजलि योगपीठ का बहुत अच्छा टूथपेस्ट अभी आया है दंत कांति, उसे कर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ का एक बहुत अच्छा दंत मंजन है, उसे आप कर सकते हैं। अगर आप पतंजलि योगपीठ का दंत मंजन या दंत क्रांति खरीदते हैं तो उसका पैसा आप पतंजलि योगपीठ को देते हैं जो भारत स्वाभिमान के काम में आने वाला है। अगर आप कॉलगेट क्लोजअप खरीदते हैं तो वो पैसा अमेरिका को देंगे जो आतंकवादियों के काम आने वाला है। आपको तय करना है आपको क्या करना। मेरी तो आपको रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप दंत कांति खरीदें या दंत मंजन खरीदें या कोई और स्थानीय स्वदेशी दंत मंजन खरीदें, नहीं तो नीम का दातुन करें, बबूल का दातुन करें, कोई भी ऐसा काम करें जिससे भारत का पैसा अमेरिका ना जाए, स्वदेशी दंत मंजन स्वदेशी जैसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करके भारत का पैसा बचाएं। और एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर सारे लोग कॉलगेट क्लोजअप खरीदना बंद कर दें, हजारों करोड़ रुपए देश का बचे। उतने ही रुपए का अगर हम दंत मंजन खरीदें, लाखों लोगों को दंत मंजन बनाने का रोजगार हम दे सकते हैं इस देश। तो रोजगार बढ़ता है, गरीबी दूर होती है, अपने देश के पैसे की बचत होती है और हम स्वदेशी और भारतीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं। यहाँ से आपके जीवन को शुरू करें। और जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो उंगली से मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, सबसे बढ़िया दंत मंजन नमक मीठू, वो आपके सबके घर में है। दंत मंजन क्यों करें? क्योंकि ये जो उंगली होती है दाहिने हाथ की पहली उंगली, इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेरिडियन पॉइंट है। तो जितनी देर आप उंगली से दांत साफ करते हैं, दांतों की सफाई होती है, मसूड़ों की मालिश होती है, उससे भी बड़ा काम होता है आपकी बड़ी आंत की पूरी सफाई होती है, आपको मालूम नहीं है। इसलिए हजारों साल से इस देश में उंगली से दांत साफ करने की परंपरा है। बहुत वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। तो या तो उंगली से दांत साफ करिए या करिए दातुन, दोनों बेस्ट क्वालिटी हैं। हिंदुस्तान का सैकड़ों करोड़ रुपए। मेरी आपसे एक ही विनती है, वो ये कि कभी भी विदेशी वस्तुओं में क्वालिटी देखने की कोशिश ना करें। कोई क्वालिटी उनमें होती नहीं, उनमें सिर्फ विज्ञापन होता है। और जिन वस्तुओं में विज्ञापन होता है उनमें क्वालिटी नहीं होती है, और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता है। आपने कभी देखा गाय के घी का विज्ञापन होता है? क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है। डालडा का विज्ञापन बार बार होता है क्योंकि क्वालिटी नहीं होती। गाय के दूध का विज्ञापन नहीं करना पड़ता। डेयरी के पैकेट वाले दूध का बिना विज्ञापन किए वो बिकता नहीं है। माँ के हाथ की बनाई हुई रोटी को विज्ञापन नहीं लगता, लेकिन डबल रोटी और पाव रोटी बिना विज्ञापन के नहीं बिकती है। माने जो चीज़ जितनी रद्दी होगी क्वालिटी में उसका विज्ञापन उतना ज़्यादा ही होगा। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।